नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर के अंतर्गत एक गांव में 64 फीट की गहराई में फंसे मासूम बच्चे प्रहलाद की जान बचाने के लिए लगातार प्रयास जारी है। लगभग 48 घंटे से मिशन प्रहलाद जारी है, लेकिन अब भी सफलता नहीं मिल पाई है। प्रहलाद अब भी इसी बोरवेल में फंसा हुआ है और उसकी आवाजें भी अब आना बंद हो गई हैं। माँ बाप को लगातार उसकी जान की फिक्र हो रही है। उधर सेना से लेकर बचाव दल का पूरा दस्ता कई मशीनों के साथ प्रहलाद को बचाने में जुटा है। सरकार की भी नजर है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस अभियान पर नजर बनाए हुए हैं और प्रहलाद की सकुशल वापसी के लिए प्रदेश भर में प्रार्थनाएं हो रही हैं। क्या है ताजा खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र में बच्चे को बोरवेल पर गिरे 48 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अभी तक उसे निकाला नहीं जा सका है। बच्चे की तरफ से अब कोई हरकत नहीं हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि एनडीआरएफ और सेना की संयुक्त कार्रवाई के बाद बच्चे के काफी नजदीक पहुंचा जा चुका है। अभी तक करीब 64 फीट की खुदाई हो चुकी है। अब मशीनों को बंद कर दिया गया है। अब इसे मानवीय तरीकों से खोजा जाएगा ताकि बच्चे तक बनाई जाने वाली सुरंग धस न जाए। अधिकारियों का कहना है कि पहली प्राथमिकता बच्चे तक सही सलामत पहुंचना है ताकि कोई भी हादसा होने पर बच्चे को नुकसान ना पहुंचे। एक दिन पहले प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर क्षेत्र में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासनिक और बचाव दल ऑक्सीजन सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ रात भर बचाव कार्य में लगा रहा। बच्चा बोरवेल में लगभग 60 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। उसके आसपास 64 फीट तक खुदाई की जा चुकी है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह 4 वर्षीय प्रहलाद कुशवाहा बोरवेल में गिर गया था। सूचना मिलने पर पहले ग्रामीण और फिर पुलिस तथा प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। बचाव कार्य में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल की मदद भी ली जा रही है। बच्चे पर नजर रखने के लिए कैमरा अंदर डाला गया है। इसे टीवी से कनेक्ट किया गया है। ये फुटेज सिर्फ माता पिता और उसके परिजनों को ही दिखाए जा रहे हैं। सेतुपुरा गांव में रहने वाले हर किशन कुशवाहा अपने 4 वर्षीय पुत्र प्रहलाद और स्वजन के साथ बुधवार सुबह 9 बजे खेत पर पहुंचे थे। वह कुछ दिन पूर्व भी खेत में करवाए बोरवेल में पाइप डालने की तैयारी में थे। बच्चा खेत में खेलने लगा और वे अपने अन्य साथियों के साथ पाइप बिछाने लगे। इसी दौरान बच्चा खेलते खेलते बोरवेल में गिर गया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक पर भी हैं। आप इस स्टोरी को अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी आ गया है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।